हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम खाना बनाते हैं बाद में सोचते हैं बच गया, उसे क्यों फेंका जाए, क्यों ना उसे रख ही लिया जाए, बाद में उसे सुबह खा लेंगे। ख़ास तौर पर दालों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि हम दालें बचा कर रख लेते हैं, सुबह खाएंगे। वही दालें हमारे पेट में जाकर फर्मेंट होती हैं और बाद में गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। किसी भी तरह का फूड अगर वो बहुत टाइम तक रखा रहे तो वो ख़राब हो जाता है। आपको नज़र वो तब आएगा जब उसमें स्मेल आने लगेगी, लेकिन आपके पेट में जाकर जब उसका डाइजेशन होगा तो वो बहुत गलत तरह के प्रोटीन्स या उनके रिलीज़ करेगा, गैसेस रिलीज़ करेगा, जिससे बाद में फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होगी। हमें ज़रूरी है कि हम बासी भोजन का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि बासी भोजन भी जॉइंट पेन्स, अम्लपित्त और अन्य व्याधियों को क्रिएट कर सकता है। यदि हम दोबारा दोबारा भोजन को हीट करेंगे तो उसका सैचुरेटेड फैट हीट होकर कैन लीड टू फर्दर कोरोनरी प्रॉब्लम्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। आयुर्वेद इस बात को बड़ा स्ट्रांगली कहता है कि जो हम बासी भोजन करता है उनको विष के समान, जैसे आप पॉइजन ले लेते हैं वो बॉडी को इफेक्ट करता है, बासी भोजन बिल्कुल उसी तरह से इफेक्ट करता है।